वीडियो में आपने देखा न्यू सेंचुरी ग्लोबल सेंटर, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिल्डिंग है इन टर्म्स ऑफ फ्लोर एरिया, और आपने देखा चुंगसी स्ट्रीट, मेगा शॉपिंग स्ट्रीट ऑफ चेंगडू चाइना। और इस वीडियो में आप देखेंगे पीपल्स पार्क, कैसे लोग सर्दी की धूप में चाय की चुस्की लेते हुए इस पार्क में बैठे रहते हैं। चेंगडू को चाइना की फर्स्ट टियर सिटीज में लेजिएस्ट सिटी बोला जाता है। और आप देखेंगे मैरिज मार्केट यहाँ पीपल्स पार्क में, कैसे मैट्रिमोनियल बायोडेटा डिस्प्ले होते हैं। और चलेंगे कोंजाई एली, ये एंशियंट स्ट्रीट है, यहाँ पे एंशियंट स्टाइल बिल्डिंग्स है, लोकल फूड है, और यहाँ पे आप कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी देख सकते हैं। मैं हूँ इस समय पीपल्स पार्क चेंगडू चाइना में। अब मैं आ गई हूँ पीपल पार्क में। ये पार्क जो है जनरली पॉपुलर है, रिटायर्ड लोग यहाँ आके बैठते हैं, आराम करते हैं, एंजॉय करते हैं, मगर धीमे धीमे काफ़ी यंग लोग भी आने लग गए हैं यहाँ पे, और काफ़ी क्राउडेड है इस समय ये पार्क, काफ़ी लोग मुझे दिख रहे हैं। इस समय मैं पीपल्स पार्क में हूँ चेंगडू के, और मुझे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिल रही है। पीपल पार्क में काफ़ी एल्डरली लोग आते हैं, और आप देख सकते हैं मेरे सामने पेपर्स दिख रहे हैं आपको, ये है बायोडेटाज, काइंड ऑफ अ मैरिज पार्क है। सबसे ज़्यादा इस एरिया का इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग। सामने आप देख रहे हैं कि मैरिज के लिए पेरेंट्स ने अपने बच्चों के बायोडेटा लटका रखे हैं, और ये सामने वाले जो हैं ये मैन के हैं बायोडेटाज। इधर रश भी तो देखिए शादी के लिए लोगों की, तो ये जो जनरली यहाँ के पेरेंट्स होते हैं ये बायोडेटा यहाँ पे ऐसे अपने बच्चों के डालते हैं, और जिनको पसंद आता है फिर वो आगे मैच मेकिंग करते हैं। ये देखिए, और ऑल मैन राइट, ओ ये पूरे बायोडेटा लगे हुए हैं भाई, जिसको शादी वादी करनी है, जो कमारे हैं अब तक जिनकी शादियाँ नहीं हो रही है, वो भी अपने बायोडेटा यहाँ पे डाल सकते हैं। आ जाइए भाई, दे डाल दीजिए आप भी अपने बायोडेटा। भाई माहौल देखिए, और हम आ गए हैं अब लेडीज सेक्शन में। ये है, आप पिंक देख रहे हैं, तो ये है लेडीज का बायोडेटा। ओ माय गॉड, ये देखिए कैसे लोगों ने बायोडेटा, और ये देखते जाइए भाई, ये पूरे लेडीज के, गर्ल्स के बायोडेटा हैं, जिनकी शादी भी नहीं हुई है, जिनको दूसरी तीसरी शादी करनी है, जितनी भी शादियां करनी है अपने बायोडेटा यहाँ पे लगाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है सारी। और क्या होता है कि जो मैंने पूछा कि लोग क्या करते हैं, बायोडेटा लेते हैं, पेरेंट्स मिलते हैं, पेरेंट्स को पसंद आता है तो आगे जिनको शादियाँ करनी है वो मिलते हैं। माई गॉड कितना इंटरेस्टिंग, देखिए ना, नेम है, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, पूरा का पूरा प्रॉपर मैट्रिमोनियल बायोडेटा है। तो भाई मैट्रिमोनियल क्या, मैट्रिमोनियल है ही, माय गॉड, ये तो पूरी स्ट्रीट ही काफी लंबी है। और ये देखे सामने कैसे बढ़िया म्यूजिकल कॉन्सर्ट चल रहा है, लोग क्या है, वही कह रही थी ना भाई, अपना बायोडेटा वहाँ लगाइए, म्यूजिक एंजॉय करिए, कोई बायोडेटा पसंद आया मिलिए, शादी मनाइए और खुश रहिए। तो ये बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट लगा मुझे बायोडेटा मैचिंग का। जैसे मैंने आपको बताया ब्लू जो था लड़कों का था, पिंक लड़कियों का था, और पेरेंट्स लगाते हैं यहाँ के बायोडेटा। और शाड़ी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। ये देखिए बढ़िया ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक चल रहा है। और ये सामने आप देखिए मॉन्यूमेंट है वर्ल्ड वॉर टू का, अब क्या लिखा है वो तो नहीं पता, मगर मेरे टूर गाइड ने मुझे बताया कि मॉन्यूमेंट है वर्ल्ड वॉर टू का। बढ़िया वाला पीपल पार्क है ये, लोग बढ़िया घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया गाने चल रहे हैं, शादियों की बात चल रही है। और ये देखिए साइड में शॉप्स भी हैं, स्ट्रीट शॉप्स भी हैं खाने पीने की, चारों तरफ स्ट्रीट शॉप्स भी हैं खाने पीने की, तो
पार्क में घूमिए, खाइए बढ़िया। सामने हम ये टी हाउस में जा रहे हैं, 100 ईयर ओल्ड टी हाउस है। माय गॉड, ये देखिए कितनी भीड़ है भाई इस टी हाउस में अंदर जाने के लिए। ये देखिए कैसे बढ़िया लोग धूप में बैठ के चाय और उसके साथ खान पीन एंजॉय कर रहे हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिख रही है सामने, आप देख रहे हैं ना लोग कैसे बैठ के आराम से कान साफ करवा रहे हैं। और मैंने भी जो है कान साफ करवाने के लिए बुक कर लिया है। मैं भी अपना कान साफ कर ईयर क्लीनिंग करवाने वाली हूँ। मैंने भी अपना ये ईयर क्लीनिंग के लिए करवा लिया है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा कान में पता नहीं क्या जा रहा है। या कंफर्टेबल काफी लोग करा रहे हैं, तो मैंने सोचा भाई क्यों ना ट्राई किया जाए, बड़ा यूनिक चीज लग रही थी, बड़ा मजा बड़े मजेदार चीज लग रही है। माय गॉड, पूरा मेला ही लगा हुआ है एयर क्लीनिंग का, भाई अलग ही बिजनेस है ये एयर क्लीनिंग का यहाँ तो। और मैंने एयर क्लीनिंग का और इसका 60 यूएन दिया है। म्यूजिकल हो गया मेरा कान। अब मेरे मसाज की बारी है। माय गॉड, ओके थैंक शीशे। ये देखिए ये है इनके कान साफ करने के औजार जो भी हैं, ये है इनके कान साफ करने की किट पूरी, जिस इन्होंने मेरा भी कान साफ किया है। शायद मुझे ज़्यादा सुनाई देने लगा होगा अब। पीपल पार्क की रौनक भाई देखते बन रही है। ये देखिए चारों तरफ रौनक। ये देखिए सामने बोटिंग करने की भी जगह है, देखिए लोग बढ़िया इंजॉय कर रहे हैं इधर भी। लोग कैसे बढ़िया बोटिंग का भी मजा ले रहे हैं। पार्क के अंदर बढ़िया लेक है जहाँ पे आप बोटिंग भी एंजॉय करिए अच्छी वाली। पीपल पार्क मुझे काफी पसंद आया। एंड सबसे बढ़िया चीज तो ये लगी पीपल पार्क की जो रौनक है यहाँ लोगों की वो देखते हुए बन रही है। और सबसे दूसरी चीज मुझे काफी अच्छी लग रही है चाइना की, वो है कि काफी चीजें काफी साफ सुथरी है। पार्क भी इतना साफ है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना साफ सुथरा पार्क। लोग बढ़िया सारी उम्र के लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। टी हाउस है, टी सेरेमनी का कल्चर है यहाँ पे। लोग बैठ के गप्पे मार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ईयर क्लीनिंग है, कान साफ करना है तो बैठ के कान साफ करवा लीजिए, वो भी मैंने किया। और बड़ा मजा आया मुझे पीपल पार्क में आके, बड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस हुआ और बड़ा मजेदार है। ये होती भाई जिंदगी, बैठिए धूप में और मजा लीजिए चाय का। ये देखिए भाई कैसे लोग आराम से बैठ के दोपहर में चाय का मजा ले रहे हैं। मैं आ गई हूँ पीपल पार्क के बॉन्साई गार्डन में। आप सामने देखो ये बैम्बू बॉन्साई है। वाओ, काफी सारे पेड़ों के बॉन्साई हैं यहाँ पे। ये देखिए कैसे पेड़ों को हरा भरा करने के लिए पानी वानी डाला जा रहा है। चाइना में बाइसिकल वगैरह भी चलाने का बहुत कल्चर है। आप ये देखो, तो अगर आपको बाइसिकल चलाना हो तो देखिए सामने बाइसिकल्स रखे हैं, रेंट पे आप ले सकते हैं। और प्रॉपर एक लेन है प्रॉपर टू व्हीलर्स की, जिसमें आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं टू व्हीलर्स को। ये देखिए पूरी जो साइड जो आप लेन देख रहे हैं वो बाइसिकल लेन है। तो अगर चाइना में अगर आपको साइकिल वगैरह चलानी है, जैसे मैं चेंगडू में है उस समय, तो आप देख रहे हैं ये पूरी एक लाइन से साइकिल्स हैं। और अगर आपके पास साइकिल नहीं है तो आप ये साइकिल्स रेंट कर सकते हैं
और इन्हें चला सकते हैं यहाँ पे। फिर मैं देख रही हूँ कि साइकिल का बहुत कल्चर है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी यहाँ पे कि प्रॉपर एक लेन है टू व्हीलर की। वो अगर आपके पास टू व्हीलर है तो आपके सामने ये जो लेन देख रहे हैं ये स्पेसिफिकली टू व्हीलर्स के लिए है, और उस साइड जो है फोर व्हीलर की लेन है। तो ये फुटपाथ हो गया, फिर टू व्हीलर लेन हो गई और उधर फोर व्हीलर की। तो ये चीज़ बहुत अच्छी कर रखी है चाइना ने कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर की लेन्स अलग कर रखी हैं। देखो एक लाइन से कितनी साइकिल्स हैं यहाँ पे, ये देखिए पूरी एंड तक। इस समय मैं चेंगडू के क्वांजाओ एले में हूँ और ये एले इतनी सुंदर लग रही है। छोटी सी गली टाइप्स है मगर उस गली के चारों तरफ कई सारी शॉप्स हैं और उसमें काफ़ी ट्रेडिशनल खाने को भी मिल रहा है और काफ़ी मीठे वाली चीज़ें भी हैं, टी सेरेमनीज भी हैं, ऐसी चीज़ें इस चारों तरफ इस एले में दिख रही हैं। काफ़ी लंबी एली है, मैंने एंड से लेके शुरुआत से लेके आखिरी तक पूरा वॉक किया और काफ़ी सुंदर है। वाइब बड़ी अच्छी सी आ रही है, काफ़ी अच्छी डेकोरेटेड है, आपको पुराना ट्रेडिशनल चाइनीज़ फील आ रही है इस एले में। और मैं सामने एक शॉप है जहाँ पर मुझे बड़ी ही टेम्पटिंग स्ट्रॉबेरी मिल रही है, तो मैं सोच रही हूँ मैं उसे लेती हूँ। शीशे भाई कह रहे हैं कि 5 लेना पड़ेगा, 5 तो हम खाते भी नहीं, अब क्या करें। अब भाई कह रहा है कि 5 लेने पड़ेंगे तो मैं क्या करने वाली हूँ, मिक्स करने वाली। भाई ये देखिए जो मैंने, मेरा स्वीट खाने का मन हो रहा था, ये मैंने आ गया है। 5 तरीके के हैं, 5 नहीं 4 हैं, तो चलिए एक एक मैं ट्राई करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी और टेम्पटिंग सी लग रही है, टेस्ट करके बताते हैं। एक यूनिक चीज दिखाती हूँ, ये देखिए ये है वाइट फंगस और इसे खाया जाता है। और ये शॉप देखिए, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, यहाँ पे रैबिट मीट मिल रहा है। ओ माय गॉड, ये देखिए कितना फैंसी डिस्प्ले है। ये देखिए रैबिट से मीट से बनी चीजें मिल रही हैं, अब पता नहीं क्या क्या है, ये तो नहीं पता मुझे। ये सामने यहाँ पे अगर आपको ओपेरा पसंद है, ये यहाँ का सिचुआन का ओपेरा है, आप जाके देख सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग। कल हमने जो है नाइट में ओपेरा देखा था यहाँ का, बड़ा ही मज़ा आया, बहुत सारी परफॉर्मेंस थी। ये देखिए बंदा कैसे ड्रेस अप होके खड़ा हुआ है। भाई मुझे इनका टी बड़ा फैसिनेटिंग लगा, तो मैं एक टी सेरेमनी में बैठने जा रही हूँ। ये देखिए, यस यस, वेलकम वेलकम टू चाइना, थैंक यू, वेलकम टू सिचुआन। इट्स अ ग्रीन टी, अ ग्रीन टी, तो ग्रीन टी द अ स्पेशल टी फ्रॉम सिचुआन। ओके ओके, यूट्यूबर, या ओ, 他们在台视频道 YouTuber, new budding YouTuber, after going from your big fans, China special, yeah. सही स्टैचूज लगे हुए हैं। सामने आप देख रहे हैं ये पता नहीं क्या कर रहे हैं पत्थरों से, पता नहीं है भाई, मगर बड़ा ही यूनिक लग रहा है। ये पत्थरों को गर्म कर रही है सामने वाली। अब मैं इस रेस्टोरेंट यहाँ पे आ गई हूँ खाना खाने के लिए, और ये देखिए सामने, ये देखिए ये पाई आ गई, ये है चाइनीज पाई और इसके अंदर है मीट, और देखते हैं टेस्ट करते ये है कैसे टेस्ट में। यम्मी, टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई, एक और खाते हैं। स्पाइसी, जो स्पाइसी का टेस्ट है बहुत ही अच्छा स्वाद आ रहा है इसका, ऊपर से क्रिस्पी लेयर समा बांध रही है खाने में, अव्वल है भाई अव्वल। इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।